तहरीक इंसाफ का अपने और इतिहादी अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। ये करारदाद किसकी जानिब से जमा कराएगी और इसका मतन क्या है, इस पर बात कर लेते हैं इखलाक अहमद बाजवा से। जी इखलाक बाजवा, इखलाक बाजवा से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का अपने और इतिहादी अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी करने के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इखलाक अहमद बाजवा से। जी इखलाक बाजवा, जी ये करारदाद मुस्तलिक नून के रुकने पंजाब असम्बली अनीजा फातमा की जानिब से जमा कराएंगे, जिसमें ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने ही दावों को झूठा साबित कर दिया है। नए पाकिस्तान में पुरानी रवायत ही बरकरार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुतअद्दिद बार अपनी तकरीरों में ये कह चुके हैं कि हम अराकीन असम्बली को फंड जारी नहीं करेंगे बल्कि तरक्याती फंड बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने ही इस मौके से एक और झूठ लेकर साबित कर दी है कि वो अपने कोल के पासदारी ना कर सके। अपने ही मंशूर के दावों के बरस पंजाब असम्बली में मौजूद हुक्मी अराकीन को 10-10 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। फंड जारी करने के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से जुबानी अहकामात जारी किए गए हैं। हुकूमती अराकीन असम्बली इन हल्कों की स्कीम में भी मांग ली गई है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने मौके पर यू टर्न की वजाहत करें और वो पहले दुरुस्त है या अब। जी शुक्रिया इखलाक अहमद बाजवा।